आते हैं। पाकिस्तान में ये प्रॉपर कहा जा रहा है, मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ये प्रॉपर बात की जा रही है कि भाई वो पिचें ऐसी बना देते हैं कि वो जब वो खेलते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब मतलब कोई दूसरी टीम खेलती है तो उसे खेला नहीं जाता। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं भाई। आप मुझे ये बताएं, जब आप एक अप्रोच लेके जाते हैं, आप पाकिस्तान के जितने बैट्समैन हैं वो बॉलिंग ज्यादा खेलते हैं, स्कोर उनका कम होता है, ऐसे ही है। आप एक स्ट्रेटजी, आप देखना साउथ अफ्रीका भी तो परफॉर्म कर रहा है, न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों 400 की है, ठीक है, तो क्या वो सारों के लिए ऐसे बना रहे? ये हिले बहाने छोड़ दें, ठीक है जी जी। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखे रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लोग अंडर रेट कर रहे थे, अब देखें अब उन्होंने कितनी अच्छी और मेच्योर कैप्टनसी की है, जहाँ पे उन्होंने बॉलिंग चेंजेस जो की है आप उसके ऊपर देखें कोई अच्छा कप्तान नहीं कर सकता है। और दूसरा उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान टीम के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे वो अटैक किया यार, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप अटैकिंग खेला और हमारा पूरा वर्ल्ड कप हम डिफेंसिव खेलते आए हैं, ज्यादा ये परफॉर्म कर ही नहीं सकता फिर उसको टीम। अब मुझे बताएं ऑलराउंडर किसे कहते हैं? बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है उसे ऑलराउंडर कहते हैं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है उसे ऑलराउंडर कहते हैं, बेन उसके बाद आप चले जाएं मोइन अली पे चले जाएं, ठीक है उसके बाद अब ये क्लासन है जो साउथ अफ्रीका का, इसे ऑलराउंडर कहते हैं। हमारा ऑलराउंडर कैसे बनता है? शताब खान, वाजी वाह यार, बॉलिंग अच्छी कर लेंदा है, नल बैटिंग भी कर लेंदा है, ठीक है मतलब गुजारा कर, हाँ नल सीधियां गेंदा भी खेल लेंदा है, चलो ये साडा ऑलराउंडर है। अब लोग बाबर और विराट को भी कंपेयर करते हैं, मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता। बाबर की वो स्ट्रेटेजी, बाबर एक, मैं आपको सही बताऊं शायद पाकिस्तानियों को मेरी बात का गुस्सा लगे, बाबर एक ऑर्डिनरी बैट्समैन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शायद उसमें ये हो सकता है कि टाइम के साथ साथ, मतलब ये है कि थोड़ा टाइम के साथ, क्या आप मुझे ये बताएं पिछले मैच में उसको 3 फ्री हिट मिली है, तीन फ्री हिट पे उसने कितना स्कोर किया? 7 स्कोर किया है। अब मुझे बताएं एक एबिलिटी नहीं है एक बॉलर के पास कि वो चार्ज कर सके। अब देखिए मैं भी कहता हूँ बाबर आजम किंग है, बाबर आजम बहुत जबरदस्त है, मैं भी नेक्स्ट में मुझे भी मौका मिले, कहें पैड पहन के इधर खड़े हो जाएं, यकीन माने बाबर आजम कहीं से गुजरेगा, आपने किंग सुन लिया उसने रख लेना आपको जबरदस्त जी। अगर ऐसे यही मेरिट है उस पर हम तनकीद नहीं कर रहे, वो एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जो उसने गलत रखते हैं मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंडिया स्टार्ट में इसी मैच में ऐसा लगा कि शायद हार जाएंगे, मतलब लेकिन फिर उन्होंने जैसे कमबैक किया। वैसे जो हमारी टीम है हमारा रिएक्शन देना बनता तो नहीं है, हाँ पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्म किया हाँ, वाकई में ये चीज वाकई, लेकिन अब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। ठीक हो गया। आज जो इंडिया का मैच था, पहले तो उन्होंने जल्दी आउट कर लिए थे, लेकिन ऊपर से रोहित शर्मा ने जो आके 86 किया मेरे ख्याल में, वो उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टन इनिंग्स खेली है। उसके बाद जो नीचे से आके सूर्य कुमार यादव ने 47 किया है, तेज किया है वो, ऐसे ही है। और उस वजह से उन्होंने इतना टोटल लगा लिया था कि उनकी बॉलिंग डिफेंड कर सके, ठीक हो गया। और फिर बाद में उनकी बॉलिंग ने डिफेंड भी किया, जैसे उनकी अब आदिल रशीद ने इंग्लैंड की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसकी इकोनॉमी 3.5 की थी आई थिंक, ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने डेविड विली डाला था, मेरे ख्याल पिछले मैच में वो नहीं था, ठीक है, तो उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन बात वहां पे आ जाती है कि उन्होंने जब यहाँ पे इन्होंने 50 पे 5 आउट कर दिए, चीज क्लियर करता चलूं, जब तक इंडिया की इनिंग्स थी और उसके बाद तक भी पाकिस्तान से लोग यही कहते नजर आ रहे थे कि आज इंडिया हार गया क्योंकि टारगेट भी कुछ खास नहीं दिया और इस तरीके से फॉर्म में नजर नहीं आए। लेकिन तब भी मैं यही कह रहा था अपने इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त थे उन्हें यही कह रहा था कि भाई इंडिया इस टाइम जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में है उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लेट्स सपोज उन्हें पता है हम हार भी जाए तो मसला नहीं है, तो वो बहुत ओपनली खेलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। और वही हुआ, कॉन्फिडेंस इसका मतलब है मैटर करता है जी जी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखें रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लोग अंडर रेट कर रहे थे, अब देखें अब उन्होंने कितनी अच्छी और मेच्योर कैप्टनसी की है, जहाँ पे उन्होंने बॉलिंग चेंजेस जो की है आप उसके ऊपर देखें कि कोई अच्छा कप्तान नहीं कर सकता है। और दूसरा उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान टीम के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे वो अटैक किया यार, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप अटैकिंग खेला और हमारा पूरा वर्ल्ड कप हम डिफेंसिव खेलते आए हैं। अब मुझे बताएं कौन सी ऐसी क्रिकेट होती है जिसकी, आजकल क्रिकेट क्या चल रही है 350-400, और हमारा कैप्टन क्या कहता है? हमारे कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो कह रहा है कि हमने सोचा था कि हम 40 ओवर डिफेंसिव खेलेंगे और एंड वाले 10 ओवर में 10 में अटैक करेंगे। यार तुम 90s में क्रिकेट खेल रहे हो, 80s में खेल रहे हो, ठीक है यार ये तो कोई तरीका कार नहीं होता। अब देखिए डिकॉक आता है आपका, उसके बाद ये इंडिया के ओपनर्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स आते हैं, वो कहां से चार्ज करना शुरू करते हैं? यार शाहीन अफरीदी जो कि हमारे मेन बॉलर हैं उन्हें किस तरीके से वो करते हैं, वहां उठा उठा के 4 चौके पहले ही ओवर में, पहले ही ओवर में, ये हैरत वाली बात है। मतलब जिसके सर पे हमारी बॉलिंग सारा वो एक सिस्टम है उसको ही पहले ओवर में 4 चौके पड़ गए। हाँ जी बेशक ऐसे ही देख लें, जब आप एक माइंड सेट लेके जाते हैं। अब इमामुल्लाह खेल रहा है, इमामुल्लाह क्यों खेल रहा है? अच्छा उसकी दो रीजन है क्यों खेल रहा है, एक मामा चीफ सेलेक्टर है, दोस्त कैप्टन है। अच्छा उसके अलावा आपकी जगह तो नहीं बनती। आप देखे ना फखर जमान और इमामुल्लाह को ड्रॉप, इन्होंने फखर जमान को ड्रॉप किया। फखर जमान का हमें इतना पता है
कि अगर वो 40 गेंदे खेल गया तो उसने 70-80 कर देना है, कर जाना है, ठीक है। अच्छा इधर एक चीज मैं आपको भी कहता चलूं और क्लियर करता चलूं, इस टाइम पाकिस्तान की जो टीम है मुझे क्लियरली नजर आ रही है सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है। इंडिया को डिस्कस इसलिए करते हैं कि मतलब ये है कि आप मुझे पहले तो ये बताएं कोई चांसेस हैं, मतलब ये ना हो कि कुछ लोग ये कहें कि इसने पहले ही कैसे कह दिया कि बाहर है बाहर है, कोई चांस है दूर दूर? वैसे चांसेस तो अगर मगर की बात है, लेकिन वो अगर ऐसा हो जाए, अगर हम तीनों मैच जीत जाए, अगर वो तीनों मैच हार जाए, ठीक है, वो अगर मगर की सिचुएशन बनती है, वो कहते हैं ना दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बैठ के ये सोच सकते हैं कि अब तीन न्यूजीलैंड हार जाए, ठीक है नहीं तो तीन ऑस्ट्रेलिया हार जाए, फिर रन रेट ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो ये सिचुएशन बनती है, इसके अलावा तो नहीं। अब देखे ना यार, पाकिस्तान आप क्रिकेट की हिस्ट्री देख लें, कभी आपने दोनों एंड पे लेग स्पिनर नहीं देखे होंगे, एक एंड पे भी लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, दूसरे एंड पे भी लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, और ये हमारे कैप्टन साहब ने दो एंड पे लेग स्पिनर लगाए हैं, कर दी है। अच्छा एक भी मैच नहीं हारा इस वर्ल्ड कप में इंडिया, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में ये प्रॉपर कहा जा रहा है, मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ये प्रॉपर बात की जा रही है कि भाई वो पिचे ऐसी बना देते हैं कि वो जब वो खेलते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब मतलब कोई दूसरी टीम खेलती है तो उसे खेला नहीं जाता, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। भाई आप मुझे ये बताएं, जब आप एक अप्रोच लेके जाते हैं, आप पाकिस्तान के जितने बैट्समैन हैं वो बॉलिंग ज्यादा खेलते हैं, स्कोर उनका कम होता है, ऐसे ही है। आप एक स्ट्रेटजी, अब देखना साउथ अफ्रीका भी तो परफॉर्म कर रहा है, न्यूजीलैंड परफॉर्म कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों 400 की है, ठीक है, तो क्या वो सारों के लिए ऐसे बना रहे हैं? ये हिले बहाने छोड़ दें, या पहले भी बताते रहे हैं, अब मिकी आर्थर रखा हुआ है, ऑनलाइन कोच रखा हुआ है, कभी जिंदगी में ऑनलाइन कोच देखा आपने? और बड़ी हैरत वाली बात है। अच्छा पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि भाई विराट कोहली की वजह से जो उनसे ना हर मैच इंडिया जीत जाता है, क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर है, वो किसी भी सिचुएशन में आके मैच जिता सकता है, आज तो वो भी जीरो पे आउट हो गए, तो आज फिर भी इंडिया जीत गया। नो डाउट, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी फैन हूं, उन्होंने जितनी अच्छी क्रिकेट वो खेलते हैं इस एरा के अंदर, मेरे ख्याल उनसे बड़ा बैट्समैन है, ठीक है। मैं आपको 4-5 इनिंग्स उनकी गिनवा सकता हूं, जबकि उनकी जो टीम थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, ठीक है, और उन्होंने आगे पूरा मैच फिनिश किया। अब लोग बाबर और विराट को भी कंपेयर करते हैं, और नहीं, मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता। बाबर की वो स्ट्रेटजी, बाबर एक, मैं आपको सही बताऊं, शायद पाकिस्तानियों को मेरी बात का गुस्सा लगे, बाबर एक ऑर्डिनरी बैट्समैन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शायद उसमें ये हो सकता है कि टाइम के साथ साथ, मतलब ये है कि थोड़ा टाइम के साथ, क्या आप मुझे ये बताएं, पिछले मैच में उसको 3 फ्री हिट मिली हैं, है। 3 फ्री हिट पे उसने कितना स्कोर किया? 7 स्कोर किया है। अब मुझे बताएं, एक एबिलिटी नहीं है एक बॉलर के पास कि वो चार्ज कर सके। अब देखें 60 वो स्कोर करता है 80 गेंदों पे करता है, अब मुझे बताओ मैंने 80 गेंदों पे 60 करके मैंने क्या फायदा दिया टीम को? फायदा दिया ये तो अपना आपने रन रेट बेहतर कर लिया। अच्छा जैसे अगर बात की जाए विराट कोहली की, वो भी पहले कैप्टन थे और उस तरीके से शायद परफॉर्म नहीं कर, अगर इसी तरीके से बाबर आजम से कैप्टनसी ले ली जाए, उन्हें कप्तान ना रहने दिया जाए, वैसे वो परफॉर्म करें, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो भी जब कैप्टन थे कहा यह जाता था उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जब वो एज ए दोबारा आए, बैट्समैन आए, और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेप डाउन किया है। अब देखिए जावेद मियांदाद को छोटा बैट्समैन नहीं है, इमरान खान के आने से पहले वो कैप्टन थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया, इमरान खान कैप्टन बन गया, तेंदुलकर ने स्टेप डाउन किया, धोनी कैप्टन बना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दुनिया के क्रिकेट में ऐसा होता रहता है यार, जरूरी नहीं कि आपको सारी क्वालिटीज मिली हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी है कि जो एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनेगा, वो फिर अगर वापस जाएगा तो शायद उसकी इंसल्ट होगी, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक वो कैप्टन ही रहेगा, मोस्टली 90% केसेस में ऐसा ही देखने को मिलेगा, भाई अगर वापस जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि उसकी इंसल्ट कर दी गई है, ये हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आज आदिल रशीद की इकॉनमी देख रहा था, वो भी एक लेग स्पिनर है ना, उसकी इकॉनमी 3 की है, 3.5 की। हमारे लेग स्पिनर की क्या है, हमारे लेग स्पिनर पे तो मैं जो लिखता हूँ आता है ना, लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक बॉलर या राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, इनको लिखना चाहिए राइट आर्म फुल टॉस बॉलर। अब इन्होंने रोहित शर्मा वाले मैच में, जब इंडिया के साथ मैच हुए, रोहित शर्मा को कितनी दी है फुल टॉस, और ये हिसाब लगा ले पावर प्ले में 4 मैचों में इनसे एक छक्का नहीं लगा, ठीक हो गया। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि पाकिस्तान में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पिच के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी है, कुछ ऐसे कर दिया है, मतलब ये कि भाई वो पिच जोन सी है वो उनके हिसाब से है, सारी स्लो फास्ट हो जाती है, जब वो चाहते हैं पिच स्लो हो जाती है, जब इंडिया वाले चाहते हैं फास्ट हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये टेक्नोलॉजी इतनी जदीद आ चुकी है कि पिच के अंदर कोई लगा दी जाए? यार अब दोनों टीमें एक ही पिच पे खेलती हैं, और मुझे ये नहीं समझ आती कि आप इस तरह हीले बहाने बना के आप अपनी परफॉर्मेंस को ना छुपाएं, ठीक है, आप अपनी परफॉर्म करके दिखाएं। आप देखें जी। इस टाइम जो लोग टीम में फजूल खेल रहे हैं, अब इमामुल हक टीम में उसका कोई तुक नहीं बनता, नवाज और शदाब में से एक बनता है, और दूसरा भी चलो, और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, गुजारा करवा लो दो बार,
हसन अली ने क्या किया जब से वो वापस आया यार, वो एक मैं उसको दूसरा ओवर देखा, दूसरे ओवर में बॉलर जान लगाते हैं, वो सीधी सीधी बॉलें फेंक रहा था, ओवर निकाल रहा था, फॉर्म में नहीं नजर आए इस पूरे टूर्नामेंट में। हारिस ने पिछले साउथ अफ्रीका के मैच में अच्छी बॉलिंग की है, उसने तेज बॉलिंग की है, वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉल की है, शाइन ने भी अच्छी बॉल की है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, एक मुझे इनका चक्कर बता दें कि यार 40 ओवर रोक के खेलना यार, 400 की क्रिकेट हो रही है यार, 400 स्कोर बन रहा है साढ़े तीन। मोहम्मद शामी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मोहम्मद सिराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुलदीप यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप यादव ने तो पाकिस्तान को हिलने नहीं दिया यार, उसने 35 स्कोर दिया 10 ओवर में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, ठीक है। उसके बाद आप देख लें मोहम्मद शामी ने आप देखें वो बेन स्टोक्स को आउट किया है, उसने दो गेंदें बाहर निकाली है, तीसरी अंदर की है, उसको आउट किया है टेक्निक के साथ। अब देखें, अब आमिर के साथ हमारे 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन आमिर की सीट टीम में जगह बनती थी, वो डिजर्व करता था। अब मसला क्या जी, हमारे आफ्ताब इकबाल हमारे एक एंकर हैं, शायद उनका नाम मिला मुझे मुनासिब नहीं लगा, उन्होंने आज से 2 साल पहले कहा था कि यार बाबर आजम के ईगो के बहुत मसाइल हैं। अच्छा। लोगों ने बर बर गालियां दी कि भाई आपने कैप्टन को ऐसे कह दिया। आज यकीन माने वही लोग कह रहे हैं कि आफ्ताब साहब ठीक कह रहे थे कि इसमें ईगो का मसाइल है। अब मुझे बताएं, जब सिलेक्शन हो रही थी हफीज और उसके बाद मिसबाह उलहक, ये दो लोग सिलेक्शन कमेटी में थे, एक ईगो के मसाइल हो सकते हैं, दूसरा इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि भाई ये ना हो कि मैं मेरी जगह कोई दूसरा आ जाए, कॉन्फिडेंस जोन सही उस तरीके से नहीं है। नहीं, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ। अभी क्या मसला है कि अभी सिलेक्शन कमेटी के अंदर हफीज और मिसबाह उलहक थे, उन्होंने कहा कि आप शदाब को ड्रॉप कर दें, ठीक है आप इसकी जगह इब्रार को ट्राई कर लें, आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर होना चाहिए, इंडिया की कंडीशंस ऐसी हैं, ठीक है, जैसे कुलदीप यादव रोल प्ले कर रहा, तबरेज शमसी ने जगह 3-4 आउट किए हैं, स्पिनर्स कर रहे हैं, ठीक है, आदिल रशीद ने किए हैं, मोइन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसने आगे से कहा कि जी शदाब खेलेगा। अब हसन अली का मगरदिन एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कहता है कि हम टीम में कहते हैं बाबर आजम को कि किंग है वो, किंग ये कर लेगा, किंग वो कर लेगा। अब मुझे समझ आई है कि उसने वर्ल्ड कप क्यों खेला है, क्योंकि वो किंग कहता है, वो किंग कहता है, इसलिए उसने वर्ल्ड कप खेल लिया। फिर मैं भी कहता हूँ बाबर आजम किंग है, बाबर आजम बहुत जबरदस्त है, मैं भी नेक्स्ट मैच में मुझे भी मौका मिले, कहें पैड पहन के इधर खड़े हो जाएं, यकीन माने बाबर आजम कहीं से गुजरेगा, आपने किंग सुन लिया, उसने रख लेना आपको जबरदस्त। अगर ऐसे यही उस पर हम तनकीद नहीं कर रहे, वो एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जो उसने गलतियां की अब अच्छी बैट्समैन के पीछे हम उसकी गलतियां तो नहीं ना छुपा सकते। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में आज भी विराट कोहली को किंग विराट या किंग कोहली, विराट कोहली का सर जो हारिस रऊफ को 145 की गेंद पे सामने छक्का मारा है, हाँ। वो क्रिकेट में कोई इंसान बाबर आजम का कोई बड़े से बड़ा बाबर आजम से बड़ा प्लेयर आ जाए, मैं कहता हूँ सर डॉन ब्रैडमैन आ जाए तो वो छक्का नहीं मार सकते, ठीक हो गया। जो उन्होंने हारिस रऊफ को मारा था T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस तरीके से आते हैं कि आपने ये बात की पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत चलती है, क्या इंडिया में इस तरीके से आपको नजर आता है, उनकी टीम में भी आपको लगता होगा पॉलिटिक्स चलती है या पॉलिटिक्स कहाँ पे चलती है, उनका जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता। हाँ देखें, मैं बताऊँ, कुछ प्लेयर होते हैं उनके अंदर गट्स होते हैं कि यार उनसे 2-4 एक आध सीरीज में स्कोर नहीं हुआ खिला लिया, अब आप जब को पता चल गया कि इस प्लेयर की एबिलिटी यहाँ तक है, हाँ, इससे तो ज्यादा ये परफॉर्म कर ही नहीं सकता, फिर उसको टीम। अब मुझे बताएं ऑलराउंडर किसे कहते हैं, बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है उसे ऑलराउंडर कहते हैं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है उसे ऑलराउंडर कहते हैं, बेन उसके बाद आप चले जाएं मोइन अली पे चले जाएं, ठीक है उसके बाद अब ये क्लासन है जो साउथ अफ्रीका का, इसे ऑलराउंडर कहते हैं, हमारा ऑलराउंडर कैसे बनता है शदाब खान, यार बॉलिंग अच्छी कर लेंदा है, नल बैटिंग भी कर लेंदा है, ठीक है, मतलब गुजारा कर, हाँ, नल सीधियां गेंदा भी खेल लेंदा है, चलो जी ये साडा ऑलराउंडर है। अच्छा जी, इनू यार बॉलिंग आंदी है, बैटिंग भी मारी कर लेंदा है, साडे ऑलराउंडर ने, ये हमारे ऑलराउंडर है। नहीं, लेकिन इसी टीम के साथ देखें, यहाँ पे जितना हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, इसी टीम के साथ ODI नंबर 1 टीम हम कैसे बन गए, फिर ये भी तो एक सवाल है ना। मेरी बात सुने, उसकी दो रीजन, बाबर आजम भी नंबर 1 रैंकिंग पे रहा, मोहम्मद नंबर 1 रैंकिंग को वकार यूनुस ने कहा, अगर आप क्लच मैचेस में स्कोर नहीं कर सकते, वकार यूनुस हमारे बहुत लेजेंड प्लेयर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा अगर आप क्लच मैचेस में स्कोर नहीं कर सकते आपके नंबर 1 होने का कोई फायदा नहीं, मैं भी रैंकिंग को नहीं मानता। डेविड मिलर की कौन सी रैंकिंग है, क्विंटन डी कॉक की कौन सी रैंकिंग है, प्रेशर गेम में प्रेशर मैच में ही नहीं परफॉर्म करना कोहली की तरह, 70 मैच खेलने हैं, 70 के 70 आपने खेल लेने हैं, ठीक है, हर मैच में आपने 30-40 कर लेना, 70 गेंदों पे आप पहले नंबर पे ही रहोगे, ये तो चीज है, ठीक है। और अभी इस वर्ल्ड कप की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें भी नजर आ रहा है कि अपना 50+ आपने ऑलमोस्ट रखना है, कि मेरा जो उनसे फिर रन रेट ठीक हो गया, ठीक है, क्या कहेंगे। और जब सेट होने की पिच पे या मतलब सेट होने की मारने की बात आती है, जो उनसे अटैक करने की बात आती है, तभी आप आउट हो जाते हैं यार। ये चार्ज करना जब देखे ना, जब आपने 50 गेंदे खेल ली है, हाँ, तो उसके बाद आपका हक, अगर आप बड़े प्लेयर हो, अगर तो आप ऑर्डिनरी बैट्समैन हो ना, आप अपने आप को कहो मैं ऑर्डिनरी बैट्समैन, फिर किंग ना कहो, फिर आप 50 पे आउट हो जाते हो, ठीक है, मान ली बात। नहीं नहीं, आज के बाद किंग कहना है आपको, भी कहीं नजर आए आपने भी कहना है किंग बाबर भाई। देखिए हसन अली ने किंग कहा, वर्ल्ड कप खेल गया, कई नामों
निशान ही नहीं था उसका, क्या परफॉर्मेंस दिया उसने जो टीम में वापस आया है। लेकिन इसमें बाबर आजम का शायद उतना कसूर नहीं है, मैं खुद ही उन्हें लाइक करता हूं। बाबर आजम का कैसे कसूर नहीं है मुझे बताएं। देखें भाई, मैनेजमेंट भी तो किसी चीज का नाम है, पीसीबी बोर्ड क्या मतलब, ये ऐसे तो नहीं है मोहल्ले की टीम। मेरी बात सुने, मुझे मौका दे, ऐसे तो नहीं मोहल्ले की टीम है। 11 लड़के मैं कहूँ की आज तुम भी आज, तुम्हें भी खिला लेता हूँ तुम्हें भी। भाई पीसीबी एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है, तो सिस्टम के थ्रू अगर सिर्फ बाबर आजम को तो नहीं हम ऐसा कह सकते। सर जब उधर सिलेक्शन कमेटी के अंदर इस बात की बहस हो रही थी कि हमने इस प्लेयर को ड्रॉप करना है, तो मुझे बताएं बाबर आजम क्यों वो वाली टीम लेके गया। अब ये बड़ा कहता था नवाज तू मेरा वैच विनर है, ठीक हो गया। वो वैच विनर ने की कीता है। आप शदाब खान को ले लें यार, देखें शाहीन से क्या हो रहा है, ठीक हो गया। शाहीन आगे से आके स्विंग करवाता है, अंदर जाती है गेंद, जबरदस्त। ऐसे ही मुझे बताएं वर्ल्ड कप फाइनल कौन खेलता नजर आ रहा है, कौन सी? मुझे तो लगता है कि इंडिया और दूसरा मुझे नजर आ रहा है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल साउथ अफ्रीका, मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा है। बाकी ये देखें न्यूजीलैंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और भी टीम्स हैं। लेकिन मैं अगर कहूं इंडिया के साथ अगर फाइनल में कोई नजर आएगा, मैं गलत भी हो सकता हूं, साउथ अफ्रीका मुझे नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के साथ मतलब पाकिस्तान का जब मैच था, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं, बेशक अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग, ठीक है। तो यही परफॉर्मेंस आपको लगता है अगले 3 मैचों में भी पाकिस्तान की नजर आएगी? यार उसमें उसने कैप्टनसी थोड़ी बेहतर की है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एशिया कप के अंदर हमारा श्रीलंका के साथ मैच था, हमने 50 पे 5 आउट कर लिए थे, उसके बावजूद श्रीलंका ने स्कोर अप किया। अगर हम वहाँ पे अपने मोहन बॉलर्स को ट्राई करते 1-2 ओवर, शायद एक विकेट हमें मिल जाती, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता। लास्ट में मुझे बड़ा अच्छा लगा, फैसले जो होते हैं ना, जैसे अब मैं बड़े लोगों को सुन रहा था, वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब, वो कहते हैं कि जब कैप्टनसी ले रहे हो तो बाई बुक्स नहीं चलना होता, मैच की सिचुएशन है, आपने उसके मुताबिक फैसला करना है, ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन, आपका डिसीजन करना है। अब जो नवाज को इन्होंने साउथ अफ्रीका में आखिरी ओवर करवाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर वो उसामा मीर को करवा देते तो शायद, अब लेग स्पिनर है, उसकी बॉल गुगली भी हो सकती है, उसकी बॉल अंदर भी। अब नवाज क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैं तो उसको लेफ्ट आर्म स्ट्रेट बॉलर मानता हूं, ठीक हो गया। बड़ा नॉलेज है भाई को, जो दिलशाद भाई की अगर बात करें क्रिकेट के हवाले से, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। नेक्स्ट भी हम यही कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी मैच में इनकी रिएक्शन ले, इनकी ओपिनियन ले। फाइनल लास्ट में बस ये बता दें, फाइनल जीतेगा कौन, उसके बाद वाइंड अप? इंडिया साउथ अफ्रीका और इंडिया टू विन, नहीं नहीं इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। चले मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का होगा, लेकिन फाइनल के हवाले से ये मैं सेमीफाइनल में थोड़ी सी प्रेडिक्शन करूंगा कि फाइनल कौन जीत सकता है। आखिरी बात, अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है ना, तो अगर कोई बंदा 30 स्कोर करता है, अगर वो इंपैक्टफुल 30 स्कोर है तो उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, चाहे कोई 100 कर लेता, अगर वो इंपैक्टफुल नहीं है तो उस 100 वाले को बाहर बिठाएं, ये स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर बेहतरी करनी है तो कौन सी ऐसी क्रिकेट टीम है जिसे सीखना चाहिए? इंडिया, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान ने भी अच्छी रोल, उनकी जो यार उनका जो ऊपर ऊपर वाले गुरबाज और वो क्या नाम है उनका, इब्राहिम, उन्होंने ऊपर से आके ऐसा चार्ज करते हैं यार, ये माइंडसेट से आते ही नहीं है। एक चौका लगा लिया इमाम उल हक ने, अब वो बैठ के देख, अब मुझे इमाम उल हक की टीम में तुक नहीं बनता। आप मुझे बताएं, आप भी शायद क्रिकेट के लवर हैं, मैं अपने ऑडियंस से भी पूछता हूँ, इमाम उल हक का पिंडी के अलावा कोई एक बड़ा स्कोर निकाल के दिखा दें कि उसने किया। पिंडी में पिच कौन सी है, सीमेंट की पिच बनी हुई है, उसके ऊपर कोई ट्रैक नहीं, उसके ऊपर वो जाके स्कोर कर लेता है। मामा चीफ सेलेक्टर है यार, कप्तान है, टीम से कोई निकाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। ऐसे ही है जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे पाकिस्तानी दुख है कि हम अभी सेमीफाइनल पे जाते नजर नहीं आ रहे, लेकिन